हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। आई होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपकमिंग मूवीज जिनकी यहाँ पर हिंदी डबिंग राइट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। और दोस्तों, वो मूवी है वो सभी यहाँ पर 2023 में ही देखने को मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन मूवीज की हिंदी डबिंग राइट्स की जो कि अभी अभी सोल्ड आउट हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर वन पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले उस मूवी का नाम है यहाँ पर दसरा। दोस्तों, नेचुरल स्टार नानी की यहाँ पर पहली पैन इंडिया फिल्म। और दोस्तों, इसी के देखते चलते इस मूवी के भी यहाँ पर हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा है एडवाइस मीडिया ने। दोस्तों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एडवाइस मीडिया ने काफ़ी लंबे समय के बाद किसी भी यहाँ पर अच्छी मूवी के यहाँ पर हिंदी डबिंग राइट्स खरीदे हैं। अब देखना ये है कि मूवी के अंदर यहाँ पर डबिंग कैसी की गई है। अगर यहाँ पर डबिंग अच्छी होगी तो ये मूवी भी काफ़ी और अच्छी तरीके से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी कर पाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर सुपर स्टार उपेंद्र की फिल्म कब्जा के बारे में। दोस्तों, कब्जा फिल्म भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बार बोला जा रहा था कि यह मूवी भी एक KGF की तरह है। देखते हैं यह मूवी कैसी रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस मूवी के भी हिंदी डबिंग राइट्स अभी अभी सोल्ड आउट हुए हैं। और दोस्तों, इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा है आनंद पंडित ने। दोस्तों, देखना है कि आनंद पंडित जी इस मूवी की डबिंग कैसे करवाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बॉर्डर फिल्म के बारे में। दोस्तों, बॉर्डर फिल्म की भी यहाँ पर हिंदी डबिंग राइट्स बहुत ही पहले सोल्ड आउट हो चुके थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ कि इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स किसने खरीदे। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ कि यह मूवी यहाँ पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली 24 फरवरी को। और बात करें इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स, तो दोस्तों, इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा है यहाँ पर गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स ने। दोस्तों, देखना है कि यह मूवी हिंदी में रिलीज होती है या फिर नहीं। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर अजीत कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी कि थुनिवू के बारे में। दोस्तों, यह मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है हिंदी लैंग्वेज में भी। लेकिन दोस्तों, बात करें इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स की। दोस्तों, इस मूवी के भी हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा था जी एंटरटेनमेंट ने। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस मूवी को जी स्टूडियोज ने ही प्रोड्यूस किया है, तो ये तो डेफिनेटली हो सकता है कि इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स जी एंटरटेनमेंट ही खरीदेगा। दोस्तों, जी एंटरटेनमेंट की एक और फिल्म यानी कि वेधा के बारे में। दोस्तों, इस मूवी के भी हिंदी डबिंग राइट्स जी एंटरटेनमेंट ने ही खरीद लिया है। इन दोनों फिल्मों को यहाँ पर जी सिनेमा पर बहुत ही जल्द प्रीमियर किया जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर काफ़ी दमदार आने वाला है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। उसको मिस मत कर।